हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास टेंथ मैथमेटिक्स के अंदर जो चैप्टर 8 चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, उसके अंदर 8.2 का जो फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, कोस 45 अपॉन में सेक 30 प्लस में कोसेक 30, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज पुट करने के लिए कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और जो सेक 30 है, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 प्लस में कोसेक 30, ये क्या होता है, 2। तो इस टाइप से अपन ने वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद में इसको सॉल्व करते हैं। ये जो डिवाइड, यानी कि डिवाइड का साइन था, ये यहाँ आ गया। इसके बाद में ये इससे ऊपर क्या है, 1/√2, और जो नीचे जो है 2/√3 प्लस में 2/1 जो है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका एलसीएम लेंगे। जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम √3 आया। इसके बाद में एलसीएम वाली डिजिट, अगर ये डिजिट जो है ना नीचे लिखी हुई, ये दोनों अगर सेम आती है तो ऊपर वाली डिजिट डायरेक्ट लिखी जाती है। जैसे 2 यहाँ लिख दिया, प्लस अगर नीचे 1 होता है तो एलसीएम में जो डिजिट है उसको डायरेक्ट ऊपर वाली डिजिट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखें, ये 1/√2 है और ये 2 प्लस में 2/√3 है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यूज दी हुई है, अगर सेम होती है तो कैंसिल आउट हो सकती है। जैसे √2 यहाँ था और यहाँ भी √2 होता तो कैंसिल आउट हो जाता, या फिर यहाँ √3 और यहाँ भी √3 होता तो कैंसिल आउट हो जाता। इसके ऊपर वाली डिजिट अगर सेम होती तो भी वो क्या हो जाती, कैंसिल आउट हो जाती। ऐसा कुछ नहीं दिया। जब ऐसा कुछ नहीं दिया है तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों जो वैल्यूज दी हुई है किसमें दी हुई है, डिवाइड के अंदर दी हुई है। जब इस दोनों वैल्यूज किसके अंदर हो, डिवाइड के अंदर है, तो इसको मल्टीप्लाई के अंदर अगर चेंज करें तो ये 1/√2 है, ये क्या है, 1/√2, और नीचे वाले डिजिट को अगर, मतलब इस डिजिट और इस डिजिट को क्या है, डिवाइड में दी हुई थी, और मल्टीप्लाई के अंदर अगर चेंज करेंगे तो ये जो नीचे वाली डिजिट है ये चेंज हो जाती है, यानी कि √3 ऊपर वाली साइड में हो जाएगा और ये 2 प्लस में 2/√3 जो है ये नीचे। तो अब इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, ये डिवाइड था, डिवाइड से इसको मल्टीप्लाई के अंदर चेंज करते हैं। इसके सारे सिस्टम आप सीखें, इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखो, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3। नेक्स्ट, इसके बाद में √2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो √2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √2 को 2/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखें, ये √2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/√2 हो गया। अब इसके बाद में प्लस का साइन, अब √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 है, ये 2 आया। अब ये अलग अलग डिजिट है तो इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √3, इस टाइप से लिख दिया मैंने। और ये भी जो है 2 मल्टीप्लाई √2, ये मल्टीप्लाई के अंदर था, मतलब 1 टर्म ये है और 1 टर्म ये है, मतलब 2 टर्म्स इसके अंदर दी हुई है, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर देखिए, 2/√2 और ये क्या है, 2/√2/√3, और ऊपर क्या है, √3। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखें, इन दोनों के अंदर नीचे वाली जो डिजिट है, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 2/√2 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। इट मीन्स 2/√2 क्या है, कॉमन आ रहा है। तो इसको लिखेंगे, ऊपर तो है √3, नीचे जो है 2/√2 अगर कॉमन लिया आपने, 2/√2 इसके अंदर भी था और इसके अंदर था, दोनों के अंदर कॉमन लिया। कॉमन लेने से यहाँ क्या बचेगा, यहाँ जो चीज़ थी 2/√2 इसको आपने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, 1 प्लस का प्लस। इसके बाद में यहाँ आपने 2/√2 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, √3। इसके बाद देखिए, ये √3 अपॉन में क्या है, 2/√2, और ये जो था 1 प्लस √3, इसको मैं √3 प्लस में 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से लिखो तो भी कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, यानी कि प्लस का साइन था इसलिए इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। 1 प्लस में √3 था, इसको √3 प्लस में 1 भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखें, अब इसके बाद के 2 स्टेप आपको बताता हूँ। दोनों स्टेप सीखने के लिए पहले यहाँ एक चीज़ देखें, अगर डिवाइड के अंदर, जैसे ये डिवाइड के अंदर √2, √3, √5, √7 कुछ भी हो, उसको सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो डिजिट नीचे दी होती है उसी डिजिट से ऊपर और नीचे दोनों साइड में मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्व का जो नेक्स्ट मेथड होता है, यानी कि तरीका जो है इसका ये होता है, √2 अगर नीचे दिया होता है, √3 दिया हो, √5 दिया हो,
उसको सॉल्व करने का तरीका होता है उसी डिजिट से, जैसे अंडर रूट टू है तो अंडर रूट टू से ऊपर और नीचे दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक तो ये था। नेक्स्ट आपके पास ये है, अगर नीचे अंडर रूट थ्री प्लस वन माइनस वन ऐसा कुछ हो, यानी कि अंडर रूट हो और उसके साथ में प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री ऐसा कुछ दिया हो, उसको सॉल्व करना होता है। ये भी डिवाइड में होना चाहिए, ध्यान रखना, ये भी डिवाइड में है और ये भी डिवाइड में है। इसको सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का मेथड होता है, ये जो साइन है दोनों के बीच में जो भी साइन दिया होता है, इस साइन का अपोजिट साइन लेते हैं। अपोजिट साइन इट मीन्स अंडर रूट थ्री माइनस वन, और यहाँ भी अंडर रूट थ्री माइनस वन, तो इस डिजिट का अपोजिट साइन लेकर के मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो मेथड यहाँ था वैसा साइन मेथड यहाँ है, बट इसमें अपोजिट साइन लेना पड़ता है, इसमें वही सेम टर्म्स से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये मेथड यहाँ यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसलिए आपको बताए थे। तो देखो, फर्स्ट मेथड यहाँ पहले यूज़ करता हूँ मैं, इस अंडर रूट टू को कैंसिल करना चाहता हूँ, यहाँ से अंडर रूट टू को कैंसिल करना चाहता हूँ। तो ये ऊपर अंडर रूट थ्री था, ये नीचे टू अंडर रूट टू है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों साइड में अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो यहाँ पड़ा था अंडर रूट थ्री प्लस में वन, ये यहाँ इसके साथ लिख दिया। नेक्स्ट इसके बाद देखें, अंडर रूट थ्री को अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा अंडर रूट सिक्स। क्या हो गया? अंडर रूट सिक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, टू अंडर रूट टू को अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई किया, टू अंडर रूट टू को अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बात आपको पता है, अभी अंडर रूट के बाहर जो डिजिट होती है वो बाहर जो डिजिट होती है उससे मल्टीप्लाई होता है। मतलब टू यहाँ क्या है, वन मानते हैं, तो टू वन से मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स टू, और अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, टू, तो टू टू जा कितने हो जाएंगे, फोर, यानी कि इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, टू अंडर रूट टू को अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फोर। कैसे आया दोबारा देखो, टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू, और अंडर रूट टू को अंडर रूट टू से करेंगे तो टू आएगा, तो टू को टू से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, फोर। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट थ्री प्लस वन। जो बात भी एक बार में समझ नहीं आती उसको रिपीट करके देखें पीछे, इसको थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा पीछे कर लें, उसके बाद देखें अंडर रूट थ्री प्लस वन है। इसके बाद देखें, अब देखो ये नीचे जो अंडर रूट थ्री प्लस वन था, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, इसी डिजिट से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई पर अपोजिट साइन लेना है, ये माइनस वन लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखें, यहाँ तो अंडर रूट सिक्स था, अंडर रूट सिक्स के साथ ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री माइनस वन क्या है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर ये फोर था, अब इस फोर के साथ यहाँ देखें, ये अंडर रूट थ्री प्लस वन है और ये अंडर रूट थ्री माइनस वन है, इट मीन्स ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया। क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है, इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे अंडर रूट थ्री ए है और वन क्या है, बी, तो ए की स्क्वेयर माइनस में बी की स्क्वेयर। ए क्या है, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री की स्क्वेयर माइनस वन, वन की स्क्वेयर, इस टाइप से इसको लिख देंगे। अब इसके बाद देखें, इसके बाद जो है नेक्स्ट, यहां अपने पास ये डिजिट आई है अंडर रूट सिक्स, अंडर रूट थ्री माइनस वन अपॉन में ये जो फोर है, ये फोर लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या है, अंडर रूट थ्री की स्क्वेयर क्या होती है, थ्री, माइनस वन की स्क्वेयर वन, तो इस टाइप से इसको लिखा, और ये अंडर रूट सिक्स, अंडर रूट थ्री माइनस वन, इसके बाद में ये फोर और ये थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा, टू, तो क्या आंसर आ गया, अंडर रूट सिक्स, अंडर रूट थ्री माइनस वन अपॉन में एट, ये इसका आंसर है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।